शिक्षा के कई प्रारूप हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में स्वास्थ्य शिक्षा है। यदि किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता है, तो वह दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव में आधी से अधिक आबादी बीमारियों से ग्रस्त हो रही है, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या नियम अपनाने चाहिए और अपने खान पान, रहन सहन पर कैसे ध्यान देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मौजूदा समय में सबसे अधिक आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा की। यदि दूसरी भाषा में कहा जाए तो आज के समय में हेल्थ एजुकेशन अनिवार्य हो चुकी है। शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो कई लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, लेकिन स्लम एरिया और देहात के एरिया में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग नहीं हैं, जितना कि सरकार उन्हें सजग करने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि हिंदुस्तान में देहात में कोई भी बीमारी हो अधिक तेजी से फैलती है। कारण साफ है कि वह अपने खान पान और रहन सहन को लेकर सजग नहीं है और ना ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग है। यदि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रह जाएं, तो जिस तरह से पोलियो को भारत से खत्म कर दिया गया है, उसी तरह से अन्य बीमारियों को भी खत्म ना करके कम किया जा सकता है, बशर्ते है कि लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता हो और हेल्थ एजुकेशन को लेकर वो सजग रहें। इस बारे में करनाल के वरिष्ठ डॉक्टर विनोद कमल ने समाचार एक्सप्रेस से विशेष बातचीत की। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार सबके लिए है, सभी को शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षा के कई प्रारूप भी शामिल है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप है स्वास्थ्य शिक्षा। आज के समय में हेल्थ एजुकेशन को लेकर लोग कितने सजग हैं, लोगों को अपनी सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार सजग रहना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए और स्वास्थ्य शिक्षा कैसे और कहाँ से मिल सकती है, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है करनाल के सामान्य अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर विनोद कमल। मैं आपको बता दूं कि यह पिछले 28 सालों से इसी पेशे में हैं और 28 सालों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। मैं सबसे पहले इनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, समाचार एक्सप्रेस में आपका सबसे बड़ा स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और समाचार एक्सप्रेस चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्वास्थ्य शिक्षा जो चुना, और साथ साथ मैं उनका दोबारा से ये भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे चुना। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि आज के समय में शिक्षा के कई प्रारूप हैं और यह भी कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन अमूमन देखने में आता है कि लोग स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग नहीं हैं। बाकी शिक्षा को लेकर वो सजग हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर वो सजग नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा का आज के समय में कितना महत्व है? मैं लगभग 28 वर्षों से ग्रामीण प्रवेश में, सेमी अर्बन एरिया में और अर्बन एरिया में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ, और इतने वर्षों में मैंने यह महसूस किया है कि आज भी लोग स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति काफ़ी हद तक, काफ़ी आबादी हमारी अभी गंभीर नहीं है। तो ऐसे में मैं ये बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य शिक्षा का बहुत महत्व है, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुँचाई जाती है और ऐसे में जो आबादी हमारी स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति अभी भी अज्ञानता से घिरी हुई है, उन और उनकी अगर वो लोग स्वास्थ्य शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो उससे बहुत सी बीमारियों की रोकथाम में वो अपना भागीदारी निभा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब आप ये बताइए कि स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए आम जन तक स्वास्थ्य शिक्षा को पहुंचाने के लिए, यानी कि उन्हें हेल्थ एजुकेशन के प्रति सजग करने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए और किस लेवल पर यह प्रयास होने चाहिए? वैसे तो देखो, स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ही अति आवश्यक है और चुनौती भरी भी है। तो ऐसे में सरकारें और मीडिया चैनल्स, अखबारों के माध्यम से लोगों तक हमेशा ही स्वास्थ्य शिक्षा के
बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। सर, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व महामारी से लड़ रहा है, वो महामारी हमारे लिए अब चुनौती बन चुकी है। अगर लोग जागरूक होते या उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी होती, अपने हेल्थ के बारे में जानकारी होती, तो क्या हम इससे काफ़ी हद तक इसको हम पकड़ पाते या इससे हम लड़ तो हम वैसे भी रहे हैं इस बीमारी से, हम इस पर जीत विजय पा सकते थे? ये मुझे लगता है कि अभी भी लोग स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति काफ़ी हद तक गंभीर नहीं है, और जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। सरकारें निरंतर अपनी तरफ से समय समय पर स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रही हैं। जैसे अब आप सबको मालूम है कि इस समय कोरोना महामारी देश के अंदर फिर से फैल रही है, लेकिन फिर भी लोग, बहुत से लोग अभी भी ना मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ना उचित दूरी बनाकर रख रहे हैं। तो ऐसे में मैं ये समझता हूँ कि लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा को जानकारी जुटानी चाहिए और उसको जुटाकर उसको पालना भी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप पिछले 28 सालों से इस क्षेत्र में हैं, सैकड़ों लोगों को आप देख चुके हैं, हजारों मरीजों को आप स्वास्थ्य ठीक कर चुके हैं, आप ग्रामीण प्रदेशों में जाकर मेडिकल कैंपों का आयोजन भी करते हैं। हमने यह भी पता लगाया था, हमें यह भी सुनने में आया था कि आप कॉन्टीन्यूसली जो है लगातार स्लम एरियाज में जाकर लोगों तक जानकारी जुटाने का, लोगों तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करते हैं। सर, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद तो सिर्फ यही है कि लोग, चाहे वो ग्रामीण अंचल में रह रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी काफ़ी हद तक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति अनभिज्ञ हैं, अज्ञान हैं, तो उनकी अज्ञानता को दूर करने के लिए मैं समय समय पर, जब भी मेरे को समय मिलता है, तो मैं स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करता हूँ, जाकर उनसे बात करता हूँ, ताकि वो अपने अपने घरों में सही सलामत रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। डॉक्टर साहब, अब आप ये बताइए कि अगर आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में यह पूछा जाए कि आपको एक गोष्ठी का आयोजन करना है, तो सर आप उसको कैसे प्रारंभ करेंगे और उसको आपको कैसे चाहिए कि वो एक सफल गोष्ठी कैसे बन सकती है, ताकि वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके? देखिए, कोई भी कार्यक्रम है, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा का ही है या कोई भी कार्यक्रम है, सबसे पहले तो उसमें लोगों की भागीदारी बहुत अति आवश्यक है, और जो लोग उस प्रोग्राम में भागीदार बन रहे हैं, हमें उनकी भाषा की भी जानकारी को जानना बहुत आवश्यक है, ताकि उन्हीं की भाषा में हम जानकारी जुटाएं, ताकि वो लोग अच्छे से उस जानकारी को ग्रहण कर सकें, और उस जानकारी को ग्रहण करने के उपरांत अपने एरिया के क्षेत्र के जो भी मतलब लोग हैं, उन तक भी वो जानकारी पहुँचाएँ, और जन जन तक का जानकारी पहुँच जाएगी, तो हमारा एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने देहात में, गांव में, कस्बों में और अब शहर में पिछले 28 सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि शहरी लोग ज़्यादा गंभीर हैं स्वास्थ्य को लेकर या ग्रामीण लोग? ऐसे इसमें मैंने ये देखा है कि चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं उसमें, लेकिन अभी भी अधिकांश लोग तो पालन कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ लोग अभी भी नियमों की पालना नहीं करते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो जब भी कोई सरकार किसी चीज़ के बारे में, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति अगर जानकारी जुटा रही है, तो उसको गंभीरता से लें। डॉक्टर साहब, आपके पास मरीज आते हैं, अगर हम परसेंटेज की बात करें, तो कितने प्रतिशत लोग होंगे जो कि अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हैं, या जो मरीज आपके पास आते हैं, आप उनके उपचार के साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी करते हैं? मेरे पास जब भी कोई मरीज आता है, मैं सबसे पहले तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जब उससे बीमारी के प्रति जानकारी लेता हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसी की भाषा में बात करने की कोशिश करता हूँ। उससे क्या है कि वो मेरे को अपनी बात खुलकर बताता है, और फिर जो भी उस बीमारी से संबंधित उसको कोई ख्याल रखने की ज़रूरत है, साथ में प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, उसको भी मैं उसको सरलता से उसको समझाता हूँ, ताकि वो उस बीमारी से बच सके और एक स्वस्थ नागरिक बन सके।
डॉक्टर साहब, ये जो स्वास्थ्य है या जो हेल्थ एजुकेशन है, ये किसी एज ग्रुप के लिए अति आवश्यक है या सभी लोगों के लिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो युवतियां हों, क्या सभी के लिए आवश्यक है या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए उस जानना अति आवश्यक है? जो स्वास्थ्य शिक्षा है, यह सावधानी और रोकथाम की एक सरल क्रिया है, और इस क्रिया के माध्यम से हम, चाहे उसमें बच्चे हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, कोई भी किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, सभी को ये जानकारी लेनी अति आवश्यक है, और ताकि हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। तो सर, अब एक आखिरी सवाल आपसे कि जो एक शिक्षित व्यक्ति है, जो हेल्थ एजुकेशन से जिसकी जानकारी, जिसको हेल्थ एजुकेशन की जानकारी और वो शिक्षित है, उसका क्या बनता है मकसद कि उसको क्या करना चाहिए ताकि वो अपने आजू बाजू रहने वाले, अपने आस पड़ोस के रहने वाले लोगों को भी जागरूक कर सके? मेरा तो शिक्षित समाज से यही अपील है कि जो शिक्षित लोग हैं वो जानकारी जो भी ग्रहण करते हैं उसको अपने आसपास लोगों के बीच जाकर शेयर करें, और जितने भी जो भी, क्योंकि जो एक शिक्षित व्यक्ति होगा वो जानकारी आसानी से जुटा सकता है, और जो भी सरकार के द्वारा या जो भी अन्य मतलब किसी भी प्रकार की जो स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित जो जानकारी है उसको लोगों से शेयर करके वो एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभा सकता है। देखिए, ये थे डॉक्टर विनोद कमल हमारे साथ। इन्होंने हमारे साथ जो बात की है वो हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात की है। मैं आपको बता दूं कि हेल्थ एजुकेशन आज के समय में एक गंभीर मुद्दा है, इस पर लोगों का जागरूक होना अति आवश्यक है। क्यों? अगर लोग जागरूक रहेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे, अन्यथा जिस तरह से मौसम का मिजाज है, जिस तरह से आज का समय है, जिस तरह से रहन सहन है, जिस तरह से आज के लोगों की दिनचर्या बनी हुई है, उससे लोग जल्दी ही कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए डॉक्टर विनोद कमल की लोगों से अपील है कि जो भी शिक्षित है, जिसको भी हेल्थ एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, वो अपने आसपास के लोगों को इस जानकारी से जागरूक करवाए ताकि वो बीमारियों से बचे रहें। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.